और चलिए अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताती है। बीजेपी में आज जॉइनिंग को लेकर गफलत का माहौल है। पूर्व विधायक नंदकिशोर मेहरिया और राजेंद्र बांबू पहुंच गए थे बीजेपी ज्वाइन करने, लेकिन बीजेपी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को नहीं थे इस बारे में कोई भी जानकारी। बीजेपी में आने वाले नेताओं की ज्वाइनिंग कमेटी अध्यक्ष अर्जुन चतुर्वेदी को भी नहीं थी उसकी जानकारी। और इस गफलत की वजह से घर वापसी करने वाले नेताओं को लौटना पड़ा बेरंग। उनके साथ आए समर्थक इस प्रकरण से हुए अचंभित। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे मेहरिया और बांबू के समर्थक। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गफलत रही, या यूं कहें कि जानकारी का अभाव जो था वो यहाँ पर नजर आया, जिसके चलते वापस लौटना पड़ा उन्हें। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर गफलत का माहौल नजर आया, आपकी रिपोर्ट दर्शकों को बता रहे थे, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए ये वाकई में गरीब रहा, आज दोनों के बड़े नेता आज बीजेपी के अपने समर्थकों के साथ ज्वाइनिंग उनको करनी थी, और खासतौर से घर वापसी को देख कर भी जोड़ा जा रहा था। अब सीकर से मैं नंदकिशोर मेहरिया जो कि फतेहपुर से विधायक रह चुके हैं चुनाव जीते थे, और बीजेपी के बड़े नेता सुभाष मेहरिया छोटे भाई उनकी घर वापसी होनी थी, अब उनको बीजेपी में वो समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। इसके साथ राजेंद्र बांबू वो भी आज बीजेपी में फिर लौट रहे थे, उन्होंने दिनों से बात होकर चुनाव लड़ा था, वो भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। कैलाश मेघवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के वृद्ध नेता बेटे, उनकी भी ज्वाइनिंग होती थी, उन्होंने बात होकर चुनाव लड़ा था विधानसभा में। अब इस तरह से कहा जाए तो गफलत से रही बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरपर्सन अरुण चतुर्वेदी को करी नहीं, और जिन नेताओं ने इसमें बुलाया उन नेताओं का बीजेपी कार्यालय से कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के इंचार्ज मुकेश पारिक को भी पूरी जानकारी थी, और मीडिया के लोग भी पहुंचते कवरेज के लिए, लेकिन फिर बाद में जब पता लगा कि आज विधिवत रूप से ज्वाइनिंग नहीं होनी है, क्योंकि ना तो आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी जी आज जयपुर में थे, क्योंकि वो सुबह ही आज निकल गए थे दौरों पर, और साथ ही और भी मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर एक कहा जा सकता है पूरा मैनेजमेंट इसमें पूरी तरह शामिल नहीं था, और यही कारण रहा कि गफलत का माहौल रहा। आखिरकार जो नेता ज्वाइनिंग के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे वो वापस उनको लौटना पड़ा, और वो बीजेपी ज्वाइन आज विधिवत रूप से नहीं कर पाए। हालांकि मनोविचार तो बीजेपी के साथ हैं और फिर दोबारा से उनकी विधिवत तौर पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आज थोड़ी सी गफलत रहेगी, और इस गफलत के कारण कहा जा सकता है कि अपने समर्थकों के साथ जो नेता आए थे उनको थोड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ ज्वाइनिंग को लेकर आए थे। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में लगातार ज्वाइनिंग का एक अंबार सा लग रहा है, और खास तौर से कांग्रेस के नेताओं की आवाजाही बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग को लेकर बेहद तेज है। आज सुबह भी मालानी के कई नेताओं ने बीजेपी के और रुख किया, चाहे वो प्रभात चौधरी हो चाहे वो अन्य बड़े नेता हो, उन सबने आज बीजेपी ज्वाइन की। तो ठीक कहा जा सकता है कि कुछ इसी तरह का कमोवेश और भी कई जिलों के नेताओं की, और खासतौर से उन नेताओं की जो पीछे विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ चुके थे और वो अब फिर से अपने घर लौटना चाहते हैं, और आज जो तमाम घटनाक्रम हुआ अब वो कहा जा सकता है कि औपचारिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था, और यही कारण है कि अगर औपचारिक कार्यक्रम होता तो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरपर्सन अरुण चतुर्वेदी को मालूम होता, उन्हें पूरी तरह कार्यक्रम की जानकारी नहीं, और इसी कारण एक गफलत का माहौल था, और कहा जा सकता है कि कोई गरिमामय कार्यक्रम की जो पूरी रचना होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में फिर से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा, और जो नेता आज अपने पार्टी के अंदर अपनी उस पार्टी में जिसको पहले भी रहे फिर से लौटना चाहते हैं वो आज वंचित रहे उन्हें फिर से शामिल किया जाएगा।
बिल्कुल गफलत का माहौल यहाँ पर रहा, गफलत की स्थिति यहाँ पर रही। बहुत शुक्रिया योगेश जी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आज जॉइनिंग को लेकर गफलत की स्थिति और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कम नजर आया, या यूं कहें कि जानकारी के अभाव, क्योंकि बीजेपी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है अरुण चतुर्वेदी, उनको भी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी। तो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होनी थी वो यहाँ पर नहीं हो पाए। तो देखिए उनके साथ आए जो समर्थक थे वो भी इस प्रकरण को देखकर अचंभित नजर आए, हैरान नजर आए, क्योंकि बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे मेहरिया और भाभू के समर्थक। उम्मीद यही थी कि आज भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और ज्वाइनिंग कमिटी के चेयरपर्सन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।